फोन गिर गया नहीं, तुमने गिराया है, तुम्हारी पिट्टी करूंगी रश्मि मैं। पता है क्या सब करना चाहिए? हमें ये पेट बीच में करना चाहिए, रोज तुम खिसकाते हो, पीछे कुछ ना कुछ चलाता है। उठना हो गया ऑफिस से यार, ऐसा ना बोल। निकल आया? नहीं, ये लो बेटा, बेड खिसकाना पड़ेगा यार। ये आ गया, चलो बेटा यहाँ से डालो, फिर ऐसे निकालो। तुम भी तो गलत कर रही हो। आया 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 आया, हाय राम, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये लो। नहीं, आपको आपने दिया इसको फोन, पता नहीं कहाँ गया। ट्रेन छूट गई होगी तो यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन है। क्या ये हैंड टाइजर ले लो, जाओ दे दो। क्या हो गया मावले? क्या ये देखो मावले, क्या मार मारूंगा, इतनी मार मारूंगा मावले। क्या आज मैं क्या शूट करूँ, मैं क्या डालू, कुछ है नहीं। आओ आ जाओ, रशु इज रेडी, देखो जरा। आज तुम्हारा बच्चा मेरे में इंटरेस्टेड नहीं, देर इज नथिंग लाइक। सुबह से मुझसे पूछ रही है कि क्या हो गया, आर यू ओके, आर यू ओके। बट मैंने कहा हाँ ओके। देर इज नथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन माई लाइफ, देर इज नथिंग डिप्रेसिंग इन माई लाइफ, इट इज जस्ट वन डे टुडे विच आई फील आई बीन डूइंग द सेम थिंग सिंस लास्ट 4-5 months। एंड मे बी माई ऑडियंस विल वन डे गेट अप एंड से गौरव भाई कुछ नया लेके आओ, वी आर बोर्ड नाउ, सेम चीज दिखा रहे हो। जस्ट टुडे आई एम जस्ट, दैट थॉट इज नॉट लिविंग माई माइंड एंड आई एम थिंकिंग यूर हाँ मे बी दे आर राइट एंड I don't know, there's some days where you just over introspect. I don't know what's going on in my mind. Today is one such day. But anyways, Ritu is going to a mall, Rasbari is going to a mall, Ritu ki sister aayi hui hai. I think the best way to now for me to take this day forward is I have a good workout. Kya ja rahi hai mall mein? Mall mein makeup. Alia Bhatt banke kyun ja rahi hai? Lag raha. Theek lag raha, okay okay. Sun, ye utar liyo, nahi to mall mein sab kahenge ye laga ke ghumti rehti tu. ओह क्या अच्छा बता दिया, सारे हर कपड़ों पे ऐसे ही लग रहा था पता है। मैं कौन चाहूं जाता, मैं सो प्लीज रेडी हो गई, आई थिंक मेरा मूड थोड़ा चाय से ठीक हो जाएगा। हैज मेड माय एक्सेस, दिस इज व्हाट माय यूजुअल ब्रेकफास्ट इज, देन आई गो इट्स टू येलो, आई थिंक दिस हैव टोल्ड यू सो मेनी थाउजेंड ऑफ टाइम्स यू ऑल फॉर नाउ। आई डू वन थिंग, मैं जिम का एसी ऑन कर देता हूं, सो बाय द टाइम चाय पीऊंगा तो ठंडा हो जाएगा जिम। मैं ये देखो यहीं का यहीं पड़ा, इतने आलसी हो गए, एक दिन जिम में वीडियो शूट किया, ये नहीं कि हटा दें। एक इम्पॉर्टेंट चीज, द न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी विच इज वेरी ग्रेट आई बिलीव, क्योंकि हमारे टाइम पे हमको ऐसा ऑप्शन मिलता है लाइक थैंकफुल। बट अभी क्या है, इन द 11th ग्रेड यू कैन चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर इंटरेस्ट, यू कैन बी स्टडिंग साइंस एंड यू कैन टेक कॉमर्स सब्जेक्ट्स ऑल्सो। गाइस ऑल्सो आई नो मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस इज इन आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप सोच रहे अब हमें क्या फायदा, हमारा टाइम तो निकल गया, बट नहीं, आपके पास आज भी काफी ऑप्शन है। विच माई डैड टोल्ड मी एंड इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट, आईटी करने के बाद मेरा इंटरेस्ट था एविएशन में, मैं वहां जा रहा था, तो एक बार को मुझे लगता था कि क्या मेरी आईआईटी 4 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ 10+2 के बाद फ्लाइंग कर चले जाते हैं। सो माय डैड टोल्ड मी दिस वन थिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई वांट टू टेल यू टुडे, बेटा एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती। नाउ व्हेन आई एम मेकिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, यू माइट थिंक कि आईटी करके क्या फायदा, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो, बट एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती। द एक्सपीरियंसेस, द नॉलेज व्हिच यू गेट, आपको पता भी नहीं चलेगा दैट हाउ यू अप्लाई दैट नॉलेज इन योर लाइफ एंड यू मूव अप द लैडर। Once you join a company, the top position, these are the 10 stages, 4, 5, 10, your college. So when you graduate from your college, you come and you join here. You have to work up this ladder in 10 years to reach the top position. And also, jab aap kahin yahan pe aa jayenge, thodi senior position mein, then you have to please your bosses. So what you're lacking here is being in the old education system, jahan se hum log nikal ke aaye, the people who are really really smart, who know how to go on in the career, they can climb the ladder really really fast, because jo skills se hi hoti hai aapko upar jane ke liye, sabke paas nahi hoti, aapko college pe aur schools mein nahi sikhai jati. Then if you have the right skills, and I'm not saying you boss ki chaato, but boss se ladai bhi nahi karni bhai, so you can directly reach this point.
एंड टू डू दिस यू नीड सम स्पेशल स्किल्स एंड आपको भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा बट टू हेल्प यू विद दैट आई एम गोना टेक अ मोमेंट हियर एंड टॉक अबाउट ऐप विच इज कॉल्ड अपग्रेड एन एप्लीकेशन विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड अ टॉप एजुकेटर ऑफ स्पेशलाइज्ड डेटा साइंस प्रोग्राम इन इंडिया दे ऑफर वेरियस प्रोग्राम्स इन कोलैबोरेशन विद वेरियस टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड सच एज ट्रिपल आईटी बैंगलोर आईटी मद्रास डीके यूनिवर्सिटी एंड लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी यू कैन गेट द लिंक फॉर अपग्रेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हाईली रिकमेंड When you check them out. I want to show you guys progress which I have made since I have the home gym. यार मेरे को बीच में back में चोट लगी थी उसके बाद I had to restart again everything. I have gained a lot of muscle mass but अभी clarity muscle में उतनी नहीं है because मैं cardio नहीं कर रहा, मैं fat loss नहीं कर रहा, मैं सब general अभी मैं अपनी life जी रहा हूँ. I am eating normal, कोई dieting नहीं चल रही. I eat eggs, फिर मैं चाय के साथ biscuit, cookies भी ले लेता हूँ. One more month when I gain much more muscle, I'll go into a cut. मैं थोड़ा सा cardio शुरू कर दूँगा and then the clarity in the muscle will come which is not right now. But हाँ, आज तो आ गया बहुत सारा. आप लोगों को लगता होगा कि जब आप इंस्टाग्राम पे रितु को देखते हैं, रितु कितनी स्टाइलिश है, कितना अच्छा मेकअप करती है, बट फेयर इट डजंट गो हेयर, द क्रेडिट गोज हेयर. असली में यार बात है, मैं ना बिल्कुल अपने पे ध्यान नहीं देता. अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान दूं तो मैं बहुत अच्छा दिख सकता हूं. आज बहुत अच्छी लगी है. हां राम, बिल्कुल अपने पे ध्यान नहीं देता ये. मारो मुझे, मारो. अपने ऊपर ध्यान नहीं, तूने अगर अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया होता ना तो आईएएस अफसर लगी होती. मैं भाई कप्तान हूं. मैं कप्तान. रशियो, आपने भैया को पारी नहीं की. भैया को पारी कर दो, छोटे भैया को पारी कर दो. गिर मत जाइए उसके ऊपर. हाँ, ओ आप भी कर लो. देख प्यार करें, देख प्यार करें, देख 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 केयरिंग है ना भैया, है ना आपके ख्याल रखोगे ना भैया का. हाँ छोटे भैया. सो गाइस, आई एम डूइंग माय बैक वर्कआउट एंड आई जस्ट discovered one thing right now. This is the lat. जब आप देखते होंगे जिम में आपके पास लैट बोर्ड है तो अपने आप पैर फंसाते नीचे, तो जब आप हैवी वेट मारे तो आपके आपकी बॉडी ऊपर ना उछले. अपने पैर ऐसे फंसा देता हूँ यहाँ पे. I sit like this. पैर ऐसे फंसा है यहाँ से ऐसे, और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ मैं लाइक दिस. सो दिस वेट हेल्प्स मी मेक अ पैड सो दैट माई बॉडी डजंट गो अप. चलो भाई ध्यान से जाना बेटा, प्लीज टेक केयर. So guys, just finished my another tabla class. जिस बंदे से मैंने तबला क्लास आज ली, he was just 16 years old. So last time की ली थी वो भी ऐसे ही था. It is fun learning from the young, fresh blood. और वो लोग बहुत अच्छा तबला बजाते हैं. I think both the guys were somewhere around 6 years into tabla training. और मैंने क्या सीखा आज? घे 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 ना ना. So so I have to practice this is index finger से घे and then these two fingers so you have to hit it and then do मतलब आवाज दबती ना जो I'm just heating up my food. मेरे eggs यहाँ पे ready हैं और मैं थोड़ा सा लोबिया गर्म कर रहा हूँ. यार मुझे ऐसा लगता है everybody has that one super food जो वो खाता तो उसको amazing results मिलते हैं. For me that super food is sweet potatoes. Whenever I eat sweet potatoes I become Superman in the gym, trust me. Also, भाभी नहीं है, भाभी ऊपर से ले गई क्योंकि भाभी देखती है जैसे ही रितु घर से जाती है भाभी also takes a leave. But I don't say anything to her because she works hard a lot. When the kid is at home, she works hard. भाई क्या खराब किस्मत है, जैसे ही बाहर निकले बारिश होना शुरू हो गई. एंड दिस इज अ न्यू मास्क विच आई हैव गॉट, वाज गिवन टू मी बाय समवन. थोड़ा सा जोर से ब्रीथ करता हूँ ना. ये ब्रांडेड मास्क है, सिंपल वंस आर द बेस्ट वंस जो 20 रुपए के आते हैं. ओके सो वी आर बैक होम. रिमेंबर एक व्लॉग था जिसमें मैंने छत से गिर गया था, स्लिप हो गया था, वही चप्पल थी. एंड आई रियलाइज्ड टुडे दैट इट इज रेनिंग आउटसाइड एंड दोबारा मैं स्लिप होता हूं तो बचाना नहीं. आई वेंट आउट टू गेट दिस व्हिच इज अ बेबी पाउडर. ओह बहुत ज्यादा हो गया भाई. सो द गाय हु वाज टीचिंग मी टुडे आल्सो सजेस्टेड मी, लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड मी कि सर आप पाउडर लगा लीजिए, मस्त हाथ फिसलेगा और मस्त बजेगा. घर पे बैठे बैठे परेशान होते. रशियो कैसा लगा मॉल में आके?
फाइनली वी आर डन. 7:30 बज गए, लेट हो गए, घर से डांट पिट चुकी है. जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया है. सो निशा और मैं, मुझे अभी भी याद है इकट्ठा स्कूल जाते थे. निशा याद है एक खटोला पैसो होया करते यहाँ पर स्टोर में सर्दिया में एक के रिजाई में. तो आई यूज टू जस्ट स्लीप विद निशा. बस निशा चाहिए होती थी बचपन में. स्कूल में कोई लड़का अगर इसको कुछ कहते थे थप्पड़ मारने वाली मैं होती थी, गुंडा मैं बनती थी. सो इट्स लाइक आई कैन नॉट रियली निशा सही में व्यक्त है जो चाइल्डहुड बिताया है ना वो तो वो हमेशा याद रहेगा. मैं जॉब तो पहले बना के जाया करता और आके भी मैं बनाया करता. हेलो अब तो छोड़ दो मेकअप यार. सो दीस गाइस आर बैक फ्रॉम द मॉल एंड स्टिल दे आर सॉर्टिंग आउट. आई थिंक दे आर सॉर्टिंग आउट द सेम थिंग. मेरे किसी व्यूअर को उसमें इंटरेस्ट नहीं है. मेरे को इंटरेस्ट है तुम इस लड़के की जिंदगी पर बात कर रही हो. मेकअप वाली शॉपिंग में ले गई अभी उसको. बेटा चल तेरे को हम लोग कब क्लब लेके जाएंगे. चल क्लबिंग कराएंगे तेरे को हम लोग. चल ऑलराइट गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में. और कल के व्लॉग में आपको एक बहुत ही मस्त चीज दिखाऊंगा मैं जो आज के व्लॉग में मैं नहीं दिखा रहा हूं. सेविंग इट फॉर टुमारो. उसको दिखाएंगे कल के व्लॉग में. शाम को फिर उसको यूज भी करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वाटिक नमस्कार. डू सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आपको पसंद आ रहे हमारे वीडियोज डेली की ग्राइंड पसंद आ रही तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाएगा. Should be too